हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज अहीर एंड वेलकम यू बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है क्योंकि आप में से कई हजारों कैंडिडेट्स, लाखों कैंडिडेट्स इसके लिए वेट कर रहे थे। एंड एज यू ऑल नो के इंडियन आर्मी ने अपना अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम के तहत फर्स्ट नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया हुआ है। लगभग 2 साल के बाद हमें ये रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी हुआ है और आज के इस वीडियो में हम ए टू जेड उसी नोटिफिकेशन के बारे में, उसी अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम के बारे में, किस तरीके से ये इंडियन आर्मी में काम करेगा, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह, फिजिकल स्टैंडर्ड्स वगैरह, ए टू जेड सभी चीजों के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में है। अपने फ्रेंड्स के साथ इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर कीजिएगा। मूविंग अहेड इनटू द वीडियो, जैसे कि आप सभी को भी पता है, कल न्यूज ब्रीफिंग भी रखी गई थी, तीनों के तीनों सर्विस चीफ भी वहां पर आए हुए थे और उन्होंने खुले तौर पर कहा हुआ था कि अब से जो कुछ भी जवान लेवल पर सोल्जर लेवल्स पर रिक्रूटमेंट होंगे वो अग्निवीर या फिर अग्निपथ स्कीम के तहत ही होंगे। और उसके तहत उन्होंने चंद इंपॉर्टेंट से डेट्स भी हमें बताए हुए थे कि इंडियन आर्मी का रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जो है इसी अग्निपथ स्कीम के तहत वो सबसे पहले आएगा, दैट इज ऑन 20 जून, तो वो आज आ चुका हुआ है। एंड इंडियन नेवी का मोस्ट प्रोबेबली 21 जून यानी कि कल आएगा और इंडियन एयरफोर्स का 24 जून को आएगा। तो जैसे कि आप सभी को भी पता है कि अग्निपथ जो है वो नया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्कीम है हमारे आर्म्ड फोर्सेस का, जिसके तहत हम अग्निवीर को रिक्रूट करते हैं। यस, इस स्कीम का नाम हमने अग्निपथ दिया हुआ है और इसके तहत अग्निवीर को हम 4 इयर्स के लिए रिक्रूट करते हैं। और यहां पर एक बार जब वो एनरोल हो जाएंगे तो वो पूरी तरीके से आर्मी एक्ट 1950 के तहत गवर्न किए जाएंगे और यहां पर एक डिस्टिंक्टिव रैंक उन्हें इंडियन आर्मी में दिया जाएगा। एग्जिस्टिंग जो कोई भी रैंक है वहां पर किसी भी तरीके की छेड़खानी नहीं की गई है, तो अग्निवीर के लिए सेपरेट एक रैंक जो है वो इंडियन आर्मी में बहुत ही जल्द बनाया जाएगा, स्पेसिफिकली अग्निवीर के लिए ही। और आपका पीरियड ऑफ एंगेजमेंट जो है वो 4 साल के लिए ही होगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, नोटिफिकेशन में हमें ओपनली कहा गया है कि किसी भी तरीके के बेनिफिट के लिए एज ऑफ नाउ, यानी कि जो पेंशन और ग्रेट्युटी जो दी जाती है उसके लिए अग्निवीर जो है वो एलिजिबल नहीं होंगे। और नीदर दे विल बी एलिजिबल फॉर एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट फैसिलिटीज, एक्स सर्विसमैन स्टेटस एंड अदर रिलेटेड बेनिफिट्स। तो किसी भी तरीके के बेनिफिट्स वगैरह जो है वो यहां पर एप्लीकेबल नहीं होंगे और आप उससे रिलेटेड कॉन्ट्रीब्यूशन भी यहां पर नहीं दे सकते। एंड मूविंग एट, एक और इंपॉर्टेंट सी चीज भी इस नोटिफिकेशन में हमें ये दी गई है कि ये जो 4 साल के बाद जो आउटगोइंग कैंडिडेट्स होंगे वो अपनी बाकी की जिंदगी जो है वो जो कुछ भी इंपॉर्टेंट है इंफॉर्मेशन, यहाँ पर क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन जो उन्हें मिलता है वो बाहर किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकते। अनऑथराइज्ड पर्सन या फिर अनऑथराइज्ड सोर्सेस के साथ वो कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते, वहां पर वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत जो है गार्ड किए जाएंगे। तो बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एक्ट भी इसे माना जाता है, तो यहाँ पर इंडियन आर्मी ने उसका ध्यान भी रखा हुआ है। एंड मूविंग एट, एजुकेशन एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यस, ये ऑल इंडिया ऑल क्लास बेसिस का रिक्रूटमेंट है। तो स्पेसिफिकली एज जो है वो 17.5 to 21 years रखी गई थी और जो कि हड़ताल वगैरह फुल चल रहे थे, तो वन टाइम एक्सटेंशन यहां पर दिया गया, यानी कि फॉर ईयर 2020 to 23 सिर्फ 1 साल के लिए ही यहां पर एक्सटेंशन जो है वो हमें दिया गया है, यानी कि 21 years से लेकर 23 years इसे थोड़ा बहुत पुश किया गया, वो बस इसी 1 साल के लिए ही होगा। वरना अपार्ट फ्रॉम दिस रेगुलर एज जो है वो 17.5 से 21 years की ही होगी। और यहां पर एक सेपरेट यूनिफॉर्म की भी बात की गई है, इन ऑर्डर टू एनकरेज एंड रिकॉग्नाइज यूथ के उस डायनामिज्म को, एक डिस्टिंक्टिव इंसिग्निया के साथ जो है अग्निवीर अपने इस यूनिफॉर्म को जो है वो पहनेंगे जितना भी उनका एंगेजमेंट पीरियड होगा। और अवार्ड्स और ऑनर्स भी जो कुछ भी होंगे वो स्पेसिफिकली इंडियन आर्मी के जो कुछ भी गाइडलाइंस वगैरह होंगे उसके तहत ही उन्हें दिए जाएंगे। और ट्रेनिंग की बात भी अगर हम करें तो यहां पर एक और चीज भी यहां पर कही गई है कि जहां कहीं पर भी ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स हो, चाहे वो एयर वाटर सी जैसा भी हो, वहां पर एयर लैंड और सी जहां कहीं पर भी हो उन अग्निवीरों को जो है भेजा जा सकता है और ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स के तहत ही उन्हें यहां पर ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है। एंड मूविंग एट, एक फुल फ्लेज्ड असेसमेंट भी जो है कंटिन्यूअसली किया जाएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 4 साल के बाद जब आप छोड़कर जाएंगे एंगेजमेंट पीरियड के बाद, तो आपके लिए स्किल सर्टिफिकेट वगैरह के लिए भी बहुत ही जरूरी है। और 25% जो फिर से परमानेंट कमीशन के लिए एनरोल होंगे वहां पर भी एक रूल लगाया गया है कि 15 years के लिए जो है वो परमानेंट कमीशन होगा, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो यहां पर एक हाईली सेंट्रलाइज्ड क्वालिटेटिव ऑनलाइन डाटाबेस जो अग्निवीरों का मेंटेन किया जाएगा, जिसके तहत एक ट्रांसपेरेंट कॉमन असेसमेंट मेथोडोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी और पूरा फेयर और इंपार्शियल जो है वो आपको यहां पर इंट्रोड्यूस किया जाएगा और आपका पूरा कॉन्फिडेंशियल असेसमेंट जो है वहीं पर स्टोर किया जाएगा। और जितने भी स्किल्स यहां पर आप 4 साल गेन करते हैं उन्हें भी सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड किया जाएगा और इससे रिलेटेड जो कुछ भी इंपॉर्टेंट से एक ब्रॉड गाइडलाइंस है वो और भी सर्कुलेट किए जाने हैं। सब्सिक्वेंट चेंजेस वगैरह जो कुछ भी होंगे वो अग्निवीर की पहली बैच जो स्टार्ट होगी उससे पहले ही हमें दिए जाएंगे।
एंड अपार्ट फ्रॉम दैट रेम्यूनरेशन पैकेज की भी यहां पर बात की गई। तो अग्निवीरों को जो है वो प्रोविडेंट फंड वगैरह कंट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं है, पेंशन वगैरह बेनिफिट उन्हें नहीं मिलेगा, ग्रेच्युटी एंटाइटलमेंट्स भी नहीं मिलेंगे। अगर मैं ओवरऑल आपको बता दूं तो लगभग 4 लाख से स्टार्ट होकर 6 लाख के आसपास जो है आपका पे होगा इन 4 सालों में। तो फर्स्ट ईयर के लिए 30,000 आपकी कस्टमाइज्ड पैकेज होगी मंथली, और यहां पर आपको सिर्फ 70% ही सैलरी मिलेगी, क्योंकि बाकी 30% आप अग्निवीर कॉर्पस फंड को जो है वो कंट्रीब्यूट करेंगे। तो यहां पर आपको पहले महीने इन हैंड जो आपकी सैलरी आएगी वो 21,000 होगी, और 9,000 आप अग्निवीर कॉर्पस फंड के लिए जो है वो फंड देंगे, और सिमिलरली उतना ही अमाउंट जो 30% आपने दिया हुआ है उतना ही अमाउंट भारत सरकार भी आपके नाम पर वहां पर फंड देगी। तो इसी तरीके से सेकंड ईयर में भी 33,000 कस्टमाइज्ड पैकेज जो हाथ में आपको 23,100 मिलता है, 9,900 यानी कि 30% आपको कंट्रीब्यूट करना चाहिए। थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर भी सिमिलरली इसी तरीके से होगा, तो फोर्थ ईयर 40,000 कस्टमाइज्ड सैलरी 28,000 इन हैंड आपको मिलेगा, जिसमें से 12,000 रुपए जो है वो अग्निवीर फंड को जाएगा, और उतना ही अमाउंट भारत सरकार भी यहां पर कंट्रीब्यूट करेगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट 4 सालों के बाद जब हम इस फंड की बात करेंगे तो लगभग आपने खुद अपने सैलरी में से 5.02 लाख कंट्रीब्यूट किए होंगे, और उतना ही अमाउंट भारत सरकार भी कंट्रीब्यूट करेगी। तो यही अमाउंट लगभग 11.71 लाख जो है ये सेवा निधि पैकेज जो है वो आपके हाथ में दिया जाएगा 4 सालों के बाद। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट लीव्स की भी बात यहां पर की गई थी कि ग्रांट ऑफ लीव्स जो है वो सब्जेक्ट टू एक्सिजेंसीज ऑफ सर्विस, और जहां कहीं पर भी ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स आपको डाले गए हैं वहां पर जो कुछ भी गाइडलाइंस वगैरह है उसके बेसिस पर ही आपके एंगेजमेंट पीरियड के लिए सभी रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई होंगे। तो एनुअल लीव जो है वो 30 डेज पर ईयर दिया गया है, और सिक लीव जो है वो आपके जो कुछ भी मेडिकल एडवाइस जो डॉक्टर्स आपको दिए हैं उसके बेसिस पर जो है वो फर्दर अप्रूव किया जाएगा। अगेन मैं आपको बता दूं, देखिए जो पुराने रूल्स एंड रेगुलेशन है वो उसी तरीके से हैं, उसमें किसी भी तरीके का चेंज नहीं है। चेंज यहां पर कहां पर लाया जा रहा है, सिर्फ रिक्रूटमेंट के तरीके में लाया जा रहा है। पहले आपको परमानेंट बेसिस में लेते थे, अब सिर्फ 4 साल के लिए ही ले रहे हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अभी सेवानिधि पैकेज की हमने बात की हुई थी कि लगभग 11.71 लाख जो आपके हाथ में मिलेंगे, तो यहां पर पेमेंट की मोडालिटीज यानी कि आपको हाथ में किस तरीके से दिया जाएगा, दो तरीके हैं। एक, अगर आप लमसम अमाउंट चाहते हैं तो जैसा ही 4 साल के बाद जब आप निकलेंगे तो आपको लमसम अमाउंट मिलेगा, अगर नहीं, अगर आप फाइनेंशियल सपोर्ट चाहते हैं तो बैंक गारंटी स्कीम के तहत जो है आपको फर्दर एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए फाइनेंशियल लोन्स वगैरह भी यहां पर इंडियन आर्मी और भारत सरकार आपको दिलवाने की मदद करेगी, और इससे रिलेटेड और भी डिटेल इन्फॉर्मेशन बहुत जल्द इंडियन आर्मी और भारत सरकार मिलकर देने वाले हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट लाइफ इंश्योरेंस का कवरेज भी आपको यहां पर मिल रहा है, तो ये नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी होगा, यानी कि आपको फिर से लाइफ इंश्योरेंस के लिए पैसे नहीं बनने पड़ेंगे। तो लगभग 48 लाख रुपीज जो है ये अग्निवीरों के लिए नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी लाइफ इंश्योरेंस कवर जो है वो दिया जा रहा है इन 4 सालों के लिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वो एलिजिबल नहीं होंगे किसी भी तरीके के आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड स्कीम्स और बेनिफिट्स के लिए, और वहां पर भी आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सभी जो है वो 4 साल की सर्विस जब आप कंप्लीट करेंगे, परमानेंट कमीशन जब आपको मिलेगा वहां पर जो है ये सभी स्कीम्स वगैरह आपको लागू होंगे, वहां पर आप कंट्रीब्यूशन वगैरह करेंगे तो चलेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट चंद इंपॉर्टेंट से गाइडलाइंस दिए गए थे, बहुत ही मैंडेटरी हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी, वैसे तो आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिसर्स के तहत ही ये सभी किया जाएगा, रिक्रूटमेंट रैलीज वगैरह चलाए जाएंगे, लेकिन उससे पहले चाहिए कि आप खुद को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा लें, और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए ज्वाइन इंडियन आर्मी वेबसाइट जो कि joinindianarmy.nic.in है वहां पर जाइएगा। आपको फुल फ्लेज्ड डिटेल्ड रूल्स एंड रेगुलेशन दिए गए हैं, आपको स्टेप्स भी बताए गए हैं कि किस तरीके से आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, तो कब से शुरू होगा वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, तो ये बात हमें कही गई है कि जुलाई 2022 से रिस्पेक्टिव आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिसर्स जहां कहीं पर भी हैं वहां पर ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर टेक्निकल, अग्निवीर टेक्निकल दैट इज एविएशन एंड एम्यूनेशन एग्जामिनर, अग्निवीर क्लर्क, स्टोर कीपर टेक्निकल, अग्निवीर ट्रेड्समैन 10th पास एंड अग्निवीर ट्रेड्समैन 8th पास जो है ये सभी आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिसर्स के रिस्पेक्टिव रैली शेड्यूल के तहत ही ये रिक्रूटमेंट्स वगैरह सब कुछ चलेंगे। लेकिन इससे पहले joinindianarmy.nic.in पर आपको ऑनलाइन रजिस्टर होना पड़ेगा। तो अलग अलग कैटेगरीज और उनसे रिलेटेड जो स्क्रीनिंग प्रोसेस के रिक्वायरमेंट्स हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस और एज, उसके बारे में थोड़ा बहुत देखते हैं। तो सबसे पहला ऑफ कोर्स अग्निवीर जनरल ड्यूटी ऑल आर्म्स हम यहां पर देख सकते हैं, तो मिनिमम क्लास 10th या फिर मैट्रिक रखा गया है, और आपको एग्रीगेट 45% लाना है पूरे सब्जेक्ट्स में मिलाकर, और इंडिपेंडेंटली भी आपको ईच सब्जेक्ट में 33% लाने बहुत ही जरूरी है। और ये वन टाइम अप्रूवल यहां पर 23 इयर्स का दिया गया, यानी कि मिनिमम 17.5 और मैक्सिमम एज लिमिट 21। वैसे तो 2022-23 के ईयर के बाद इसे फिर से चेंज करके 21 ईयर ही रखा जाएगा, तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। अगर आपकी 21 से ज्यादा एज है और 23 के अंडर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं।
एंड मूविंग एट अग्निवीर टेक्निकल और अग्निवीर टेक्निकल एविएशन और एम्यूनेशन एग्जामिनर के लिए इंटरमीडिएट या फिर 10+2 जिसे हम कहते हैं वो मिनिमम क्वालिफिकेशन है। और यहाँ पर आपको साइंस स्ट्रीम होना चाहिए, दैट इज फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और इंग्लिश वहां पर होने चाहिए। और एग्रीगेट 50% मार्क्स आपके होने चाहिए इंटरमीडिएट में, और इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में आपको 40% लाना बहुत ही जरूरी है। और एज सेम है 17.5 to 23। अग्निवीर क्लर्क स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए भी इंटरमीडिएट ही है एग्जाम, किसी भी स्ट्रीम में आप कर सकते हैं आर्ट्स कॉमर्स साइंस वगैरह। तो यहाँ पर एग्रीगेट 60% आपका होना जरूरी है और मिनिमम 50% हर सब्जेक्ट में मिनिमम आपको लाने पड़ेंगे। और यहाँ पर एक और बात जो कही गई है कि मिनिमम जो 50% सिक्योर किया गया वो इंग्लिश, और अपार्ट फ्रॉम दैट मैथमेटिक्स अकाउंटिंग और बुक कीपिंग जो आपके 12th स्टैंडर्ड में एक सब्जेक्ट मैंडेटरी होना चाहिए। तो यहाँ पर भी एज सेम है 17.5 to 23। अग्निवीर ट्रेड्समैन 10th पास की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्लास 10th सिंपल पास भी, यानी कि आप 35-40% भी अगर लाएंगे तो पास हो जाएंगे, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो मिनिमम सिंपल पास यहाँ पर रखा गया है, लेकिन यहाँ पर भले ही एग्रीगेट ना दिया गया हो लेकिन इंडिविजुअल सब्जेक्ट में आपको एटलीस्ट 33% स्कोर करने बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पर भी 17.5 to 23 ईयर्स रखा गया है। और अग्निवीर ट्रेड्समैन 8th पास के लिए जो है वहां पर 8th सिंपल पास रखा गया है, और यहाँ पर भी एग्रीगेट परसेंटेज का स्टिपुलेशन नहीं दिया गया लेकिन मिनिमम आपको 33% हर सब्जेक्ट में लाना पड़ेगा। देखिए ये तो टेक्निकल चीज है, क्योंकि जब तक आप हर चीज में 35 मार्क्स नहीं लाएंगे आप पास कहां से हो जाएंगे। अगर आप ओवरऑल एग्जाम पास हैं तो ऑलरेडी आपने इंडिविजुअली सभी मार्क्स लाए हुए हैं, तो आप टेंशन इसके रिलेटेड मत लीजिएगा, ये थोड़ा बहुत टेक्निकल टर्म था। तो एज रिलैक्सेशन सिर्फ इसी साल के लिए, दैट इज 2022-23 के लिए दिया गया है कि 21 से 23 इयर्स हमने किया हुआ है, लेकिन इसके बाद से इसे फिर से 21 इयर्स ही कहा जाएगा। हाइट एंड वेट में किसी भी तरीके का चेंजेस नहीं है एज पॉलिसी इन वोग, यानी कि जो पॉपुलर है जो फेमस है हम सभी के बीच वही हाइट और वेट के स्टैंडर्ड्स वगैरह हो जाएंगे। और जहां कहीं पर भी रिलैक्सेशन की जरूरत हो वो भी यहां पर हमें देखने को मिलेगा। तो एलिजिबल कैंडिडेट जो कुछ भी है प्रिस्क्राइब्ड रिलैक्सेशन जो दिए गए हैं, भले ही वो हाइट चेस्ट वेट वगैरह के हो, वो सभी प्रिस्क्राइब्ड रिलैक्सेशन उन्हें दिए जाएंगे। तो एक बार आप डिटेल नोटिफिकेशन देख लीजिएगा कि आप किस कैटेगरी के अंडर आते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट फिजिकल स्टैंडर्ड्स की भी यहां पर बात की गई है, तो ये सभी जो है रैली के साइड पर ही होगा। तो आप चाहिए कि रेगुलरली आप अपने एआरओ को विजिट करते रहिए, उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप देखते रहिए। तो वहां पर अगेन जो कुछ भी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं 1.6 किलोमीटर रन के कितने टाइम में आपको फुलफिल करने हैं, पुल अप बीम्स वगैरह जो किए जाते हैं वो किस तरीके से होंगे, 9 feet डिच और zigzag बैलेंस जो किया जाता है, पहले भी इसे सिर्फ क्वालिफिकेशन का ही रखा गया था, इस बार भी दोनों को उसी तरीके से रखा गया, तो इसमें किसी भी तरीके का चेंज यहां पर नहीं होगा। और फिजिकल मेजरमेंट जो है वो फिजिकल स्टैंडर्ड जो कुछ भी दिए गए हैं उसके तहत ही किए जाएंगे, और ये सभी आर्मी रिक्रूटमेंट रैली साइट पर ही किया जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट सी चीज मेडिकल टेस्ट की भी बात यहां पर की गई है कि जो कुछ भी मेडिकल स्टैंडर्ड्स रैली साइट पर आपको दिए जाएंगे वो फुल फ्लेज्ड आपके टेस्ट किए जाएंगे। अगर आप अनफिट यहां पर पता चलते हैं तो आपको एक डेसिग्नेटेड मिलिट्री हॉस्पिटल भेजा जाएगा, 5 दिन में विद इन आपको वहां पर जाकर रिव्यू मेडिकल करवाना पड़ेगा, और विद इन 14 डेज एज पर पॉलिसी आपको उस मिलिट्री हॉस्पिटल से रिपोर्ट लाकर देनी पड़ेगी। ये बहुत ही जरूरी है क्योंकि जो मेडिकल टेस्ट क्रॉस करेंगे वही फर्दर इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप जो कि सीईई कॉमन एंट्रेंस एग्जाम जो इस रिक्रूटमेंट रैली का, उसे आप जो है शॉर्टलिस्ट होंगे। तो मेडिकली फिट जो कैंडिडेट्स होंगे उन्हें एक नॉमिनेटेड वेन्यू दिया जाएगा, डेट और टाइम रिटर्न टेस्ट वगैरह सब कुछ रैली साइट्स पर ही दिया जाएगा, एडमिट कार्ड्स भी यहां पर आपको इशू किए जाएंगे। तो सीईई के लिए जो एडमिट कार्ड्स होंगे वो रैली के लिए फिट कैंडिडेट्स को जो है वो रैली के साइट पर ही आपको दिया जाएगा, तो वहीं से आप उसे कलेक्ट करके एग्जाम लिख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कोई भी रिव्यू के लिए गया हुआ है मेडिकल के लिए, तो मेडिकल के रिव्यू अगर आपको रिपोर्ट मिल गई है और वहां पर आपको फिट आया गया है तो आप इमीडिएटली आकर एग्जाम भी दे सकते हैं, इसमें किसी भी तरीके का आपको बाधा नहीं दिया जाएगा यहां पर। सो दिस वाज व्हाट रिगार्डिंग मेडिकल टेस्ट एंड कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। एजुकेशनल सर्टिफिकेट से रिलेटेड भी चंद इंपॉर्टेंट सी बात यहां पर की हुई थी कि सभी जितने भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस जिनके क्लेम्स आपने दिए हुए होते हैं जब आपने अप्लाई किए, वो सभी ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स आपको लाने बहुत ही जरूरी हैं। जो कुछ भी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल कॉलेज बोर्ड यूनिवर्सिटी के सर्टिफिकेट्स हैं आपको उन्हें लाना पड़ेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर प्रोविंशियल और ऑनलाइन एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स अगर आपके पास है, ओरिजिनल अभी हाथ में नहीं आया, तो एटलीस्ट जो कंसर्न आपका बोर्ड और यूनिवर्सिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वहां से आपको सर्टिफिकेट जो है इंक्ड साइंड जो है वहां से लाना पड़ेगा। तो ये भी एक प्रावधान दिया गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपने अब जो कि ट्रेड्समैन हमने 8th क्लास भी देखा हुआ था, तो अगर आपने मैट्रिक सर्टिफिकेट ओपन स्कूलिंग वगैरह से ली हुई है तो वहां पर भी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपको लाना चाहेगा, और वो काउंटर साइन किया जाना चाहिए बाय योर रिस्पेक्टिव बीईओ और डीईओ, ये कंपलसरी है।
एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो कुछ भी इंपॉर्टेंट से आपने किसी रिजर्वेशन के कैटेगरी के तहत अप्लाई किया हुआ है, यू नो कोई एनसीसी वगैरह की भी सर्टिफिकेट है, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट रिलीजन सर्टिफिकेट, स्कूल कैरेक्टर कैरेक्टर सर्टिफिकेट एक्सेट्रा, जो कुछ भी है वो जब कभी भी मांगे वो प्रोड्यूस करने चाहिए सभी ओरिजिनल, और मोस्ट प्रॉब्ली ये सभी उसी रिक्रूटमेंट रैली के साइट में हमें कलेक्ट करवा सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक और इंपॉर्टेंट सी चीज जो इस नोटिफिकेशन में हाईलाइट की हुई है, कोविड वैक्सीनेशन। यस, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट इज कंपल्सरी। जो कुछ भी आप जा रहे हैं रिक्रूटमेंट रैली के लिए, मेक श्योर दैट दोनों के दोनों टीके आपके लगे हो और आपके पास एक वैलिड सर्टिफिकेट हो। और अथॉरिटी कहीं पर भी पूछ सकते हैं रिक्रूटमेंट रैली में, उसके बाद मेडिकल टेस्ट में, उसके बाद एग्जामिनेशन में। सो मेक श्योर आपने दोनों के दोनों टीके लगाए हुए हो, ये कंपल्सरी है कोविड वैक्सीनेशन। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़ा बहुत पोस्ट सर्विस के बारे में भी बात करते हैं। हमने देखा कि एक ट्रांसपेरेंट मेथड से आपके स्किल्स वगैरह रिकॉर्ड किए जाएंगे, तो जैसा ही अग्निवीर की चार साल की सर्विस खत्म हो जाएगी आपको एक स्किल सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। और ये स्किल सर्टिफिकेट जो है, आपने जो कुछ भी स्किल्स वगैरह यहाँ पर सर्विस करते वक्त जो एंगेजमेंट पीरियड में लिए होते हैं, तो आपके लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी के बेस पर ये स्किल्स को हाईलाइट करके आपको एक सर्टिफिकेट भी दी जाएगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट क्लास 12th के कंप्लीशन की भी सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर दी जाएगी। जो कुछ भी अग्निवीर से उन्होंने एनरोल किया हुआ है खुद को क्वालिफिकेशन, अगर 10th क्लास हो तो उन्हें 12th और उसके इक्विवेलेंट एक कंप्लीशन का सर्टिफिकेट दिया जाएगा जब वो 4 साल का एंगेजमेंट पीरियड खत्म करेंगे। तो इससे रिलेटेड डिटेल इंफॉर्मेशन और भी रिलीज करने बाकी हैं। चंद इंपॉर्टेंट से फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। तो मोस्ट प्रॉब्ली कब से शुरू हो सकती है रिक्रूटमेंट प्रोसेस? रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, नोटिफिकेशन आ चुका है। तो जुलाई 2022 से अपने रिस्पेक्टिव आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिसर्स में जो है आप नोटिफिकेशंस के लिए वेट कीजिएगा। जैसा ही रिक्रूटमेंट रैलीज के डेट्स वगैरह पता चल जाएंगे तो इमीडिएटली रश देयर ऑन। तो ये जो अग्निपथ स्कीम जो है वो वुमेन के लिए ओपन है क्या? अभी तो यही एनविसेज किया गया कि यस वुमेन के लिए भी फ्यूचर में ओपन किया जाएगा, लेकिन ये स्पेसिफिकली डिपेंड करेगा कि किस किस स्टेट्स में कौन से स्टैंडर्ड्स के तहत जो है वुमेन को रिक्रूट किया जाएगा। लेकिन एज ऑफ नाउ इस पर क्लैरिटी देना बहुत ही बाकी है। सैलरी की जैसा कि मैंने डिटेल्ड आपको बात किया, 4 लाख से लेकर 6 लाख तक का पैकेज, यानी कि पूरा जो 4 साल होगा पहले 4 लाख से स्टार्ट होगा और 6 लाख तक खत्म होगा, और बाकी के जितने भी अलाउंसेस बेनिफिट्स आपको एज अग्निवीर आपके जो रैंक में दिया जाएगा वो आप सभी एलिजिबल होंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एज लिमिट्स की बात करें तो सिर्फ एक ही साल के लिए वन टाइम वेवर दिया गया है कि 23 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं, वरना द स्टैंडर्ड एज इज 17.5 टू 21 इयर्स। यहां से निकलने के बाद क्या होगा सर हमारा? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन वालों ने ऑलरेडी एक क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है कि जब आप यहां पर कोर्स कर रहे होंगे तो साइमल्टेनियसली एक 3 साल का स्किल बेस्ड बैचलर डिग्री प्रोग्राम भी आपके लिए दिया जाएगा। सो खासकर सर्विस डिफेंस पर्सनल के लिए ही होगा। तो ये जो कुछ भी आपने स्किल रिसीव किया हुआ है वो आपको 3 साल के सर्टिफिकेट के तहत जो है वो आपके हाथ में दिया जाएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट होम मिनिस्ट्री वालों ने भी कई कंसेशन दिए हुए थे कि आसाम राइफल CAPF में रिक्रूटमेंट में 10% रिजर्वेशन अग्निवीर को दिया जाएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कई स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी, उत्तराखंड, यू नो हरियाणा, मध्य प्रदेश ने आगे आकर कहा हुआ था कि हम अपने पुलिस रिक्रूटमेंट्स में और इवन स्टेट गवर्नमेंट्स में भी अग्निवीर के लिए रिजर्वेशंस देने की हम कोशिश करेंगे। और यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स वालों ने एज रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है अग्निवीरों के लिए, खासकर जब वो निकल आएंगे तो वहां पर जो स्पेसिफिकली CAPF और पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए जो जॉब्स वगैरह अप्लाई करेंगे तो वहां पर 3 से बढ़ाकर 5 साल तक का भी रिलैक्सेशन दिया हुआ है। तो एनरोलमेंट कार्डर के लिए कौन कौन ऑप्ट कर सकता है? देखिए यहां पर एक और इंपॉर्टेंट सी चीज आपको जो जाननी है कि सिर्फ 25% ही वहां पर ऑब्जर्व किए जाएंगे। जो 100% आएंगे उसमें से 75% को रिलीव किया जाएगा। जो 25% होंगे बेस्ट ऑफ द बेस्ट, उन्हें जो है फिर से फुल फ्लेज्ड यू नो जूनियर कमीशन ऑफिसर्स या फिर ORs के रैंक्स में कमीशन किया जाएगा फॉर परमानेंट कमीशन। और यहां पर एक बार वो 25% जो कि बेस्ट अमंग द बेस्ट होंगे उन्हें फर्दर 15 ईयर्स के एंगेजमेंट के लिए रखा जाएगा। और वहां पर जूनियर कमीशन ऑफिसर्स और अदर रैंक ऑफिसर्स के जो कुछ भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं इंडियन आर्मी के, वही उसी के तहत वो यू नो गवर्न किए जाएंगे। अगेन मैं बता दूं, रूल्स एंड रेगुलेशंस में, टर्म्स एंड कंडीशंस में कोई भी चेंजेस नहीं है, पहले जैसे थे वैसे ही है, बेनिफिट्स वगैरह भी वैसे ही हैं, बस आपको रिक्रूट करने के तरीके में थोड़ा बहुत फर्क लाया गया है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक और छोटा सा एग्जेम्पशन भी यहां पर दिया गया कि जो कुछ भी यहां पर अग्निवीर्स के बाद जो परमानेंट कमीशन के लिए सेलेक्ट होंगे वो एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन इंडियन आर्मी का ही होगा। अग्निवीरों को कोई भी अधिकार नहीं दिया गया कि वो कंपल्शन करे कि वो हर हाल में सेलेक्ट हो जाए परमानेंट कमीशन के लिए। और यहां पर थोड़े बहुत एक्सेप्शन ये भी दिए गए हैं कि अपार्ट फ्रॉम टेक्निकल और मेडिकल कार्डर्स या फिर ब्रांचेस अगर हैं, सिवाय उनके बाकी के जितने भी ट्रेड्स, जितने भी यू नो ब्रांचेस वगैरह हों, वो सभी इसी अग्निवीर के तहत, अग्निवीर स्कीम के
तहत ही जाएंगे। यानी कि क्लियरली इंडियन आर्मी कह रहा है कि ये स्कीम को किसी भी तरीके से रोल बैक नहीं किया जाएगा, सिर्फ जहां पर टेक्निकल और मेडिकल ब्रांचेस जो है वहां पर, क्योंकि एडिशनल स्किल्स वगैरह की जरूरत होती है, बाकी के जितने भी हम ट्रेड्स वगैरह देखते हैं, जितने भी हम अलग अलग सर्विस ब्रांचेस वगैरह देखते हैं, वहां पर अगर परमानेंट कमीशन में जाना हो तो आपको एज एन अग्निवीर 4 साल का एंगेजमेंट प्रोसेस करना ही पड़ेगा, सिर्फ वही जो है इन सभी के लिए एलिजिबल होंगे। तो हु कैन अप्लाई फॉर अग्निपथ एंट्री स्कीम, ऑफकोर्स ऑल इंडिया ऑल क्लास बेसिस पर ही है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की भी मैंने आपको इन डिटेल बात बताई, एटलीस्ट 10th और 12th स्टैंडर्ड है या फिर 8th स्टैंडर्ड ट्रेड्समैन की, जैसे कि हमने बात की ITI पॉलिटेक्निक्स और जो कुछ भी रिस्पेक्टिव एंट्रीज के लिए जो कोई भी इक्विवेलेंट यू नो क्वालिफिकेशन जरूरी है वो यहाँ पर सेम रखे गए हैं। तो दिस वॉज वॉट यू हैड टू नो अबाउट द इंटायर नोटिफिकेशन विच वॉज रिलीज। तो वीडियो को एंड करने से पहले मैं आप सभी को फिर से बता दूं कि बहुत ही जल्द SSB क्रैक एग्जाम जो है वो फुल फ्लेज्ड अग्निपथ स्कीम के तहत जो रिक्रूटमेंट्स होने वाले हैं उससे रिलेटेड फुल फ्लेज्ड ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल करने वाला है। तो किस बात की देरी है, आप भी अगर अग्निपथ स्कीम के तहत एक अग्निवीर बनना चाहते हैं और 4 साल के एंगेजमेंट के बाद वो बेस्ट अमंग द बेस्ट 25% होना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को एंड करने से पहले एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि SSB क्रैक एग्जाम्स के पास SSB इंटरव्यू से रिलेटेड फुल ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में है। यहां पर आपको कस्टमाइजेशंस भी देखने को मिल जाएंगी, 1 महीने का या फिर 1 साल का एक्सेस भी आपको देखने को मिल जाएगा। एंड दीज आर ऑल द कोर्सेस, एक बार जाकर जरूर चेकआउट कीजिएगा। एंड वॉरियर 10 इज अ कोड विच यू शुड यूज सो दैट यू गेट 10% डिस्काउंट। मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन, अंटिल देन स्टे हेल्थी स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय लेक्चर। जय हिंद।